एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टमाटर और हरी मिर्च और प्याज की बेहतरीन तो चटनी बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले मैंने लिए है टमाटर। टमाटर को मैंने अच्छे से धोकर अच्छे से वॉश कर लिया है। फिर मैंने लिए 4 बड़े कटे प्याज। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने थोड़े मेथी के दाने लिए हैं, थोड़ा जीरा लिया है, 8 से 10 मैंने लिए हैं साबुत लाल मिर्च। आप इसकी जगह अगर चाहें तो हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है और मैंने धनिया के पत्ते लिए हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने टमाटर को अच्छे से काट लिए हैं कुछ इस तरीके से। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जीरा और मेथी दाने। जीरा और मेथी दाने भुन चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी कटी हुई प्याज। प्याज को हमें लगातार चलाते रहना है गोल्डन करने तक। हमारी प्याज यहाँ रेडी हो चुकी है, हमें ज्यादा नहीं ब्राउन करना है, हल्का। अब हम इसमें डालेंगे हमारे कटे हुए टमाटर। इसमें हमारा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारी साबुत लाल मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे धनिया। डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, 4 से 5 मिनट के लिए चलाएंगे। अब हम इसे 5 से 8 मिनट के लिए रख देंगे ढककर। दोस्तों, इस चटनी को आप घर पर ज़रूर एक बार ट्राई करें और आपको जैसा भी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आई होप अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।